मंत्री नितिन गडकरी के संकल्पना से साकार खासदार क्रीड़ा महोत्सव का रविवार को शानदार समारोह हुआ। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित हुए थे। शहर में 300 खेल मैदानों का केंद्रीय मंत्री तथा नागपुर के सांसद नितिन गडकरी का सपना साकार करने के लिए 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार मंजूर करेगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार की शाम खासदार क्रीड़ा महोत्सव के रंगारंग समापन पर यह ऐलान किया है। समारोह का आयोजन यशवंत स्टेडियम में किया गया था, जहां अंकित तिवारी ने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर नितिन गडकरी समेत WW हेवीवेट चैंपियन ग्रेट खली, विधायक प्रवीण दड़के, पूर्व सांसद पद्मश्री विकास महात्मे, सांसद क्रीड़ा महोत्सव के संयोजक तथा पूर्व महापौर संदीप जोशी, विधायक विकास कुम्भारे, पूर्व सांसद सुधाकर कोहले आदि मंच पर उपस्थित थे। अनेक जगह पर कंपाउंड वॉल डालने की आवश्यकता है और मैदान की जो आज की स्थिति है उसको भी सुधारने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा उत्साह है। जब ज्येष्ठ नागरिकों के लिए हमने सबको बुलाया था, 3000 ज्येष्ठ नागरिक आए थे, उसमें 2 किलोमीटर के दौड़ में 88 साल की महिला भी उत्साह के साथ उसने भाग लिया। इसी स्टेडियम पर महिलाओं की स्पर्धाएं हुई थी, उसमें सीनियर सिटीजन हो, विद्यार्थिनी हो, युवती हो, ऐसे 3000 महिलाओं ने बहुत उत्साह से भाग लिया। इस समय 55 से ज़्यादा खेल जिसके लिए अलग अलग प्रकार की स्पर्धाएं हुई, 5000 पंच और ऑफिसर्स जिन्होंने इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग किया, क्योंकि निर्णय करना, स्पर्धा का ठीक प्रकार से चलाना, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। 5000 से ज़्यादा लोग रात दिन मेहनत कर रहे थे, तो खेलने के अच्छे मैदान तैयार करना चाहते हैं 300, और उस मैदान पर रोज शाम को कम से कम 1,00,000 नागपुर के खिलाड़ी खेल सके इसकी व्यवस्था हो, और इसलिए वहाँ मैंने कहा कि वहाँ मैदान की क्वालिटी, इस बार मैं काफ़ी मैदान पर गया, मैदान की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बेचारे खिलाड़ी खेल रहे थे, मैं भी क्रिकेट खेलता था बहुत से ग्राउंड पर, इस बार मैदान की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। हमने एक योजना बनाई है कि नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में जो गंदा पानी होता है उसको शुद्ध करके पड़ रहा है, मेरे को झोंकने की आदत नहीं, नीचे में रहते हैं हम लोग, जैसे खड़ा हुए जैसे अंडरटेकर से आंख से आंख मिलाई थी ना, मैं सोचता कि जो आप मेरा फैन है आपसे भी आठ से आठ मिलाऊं मैं, क्योंकि आपके कारण मैं ग्रेट खली बना हूं दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था कि भाई जो माननीय नितिन गडकरी जी है, इन्होंने जो रोड पूरे हिंदुस्तान पे गांव-गांव पे बनाए हैं, आपको शायद दोस्तों आइडिया नहीं होएगा, मैंने अनुभव किया है अपने आप को। मेरे को पूरा वर्ल्ड घूमने को मिला था WWE के जरिए से, लेकिन अब 19-20 का फर्क है रोडों के मामले पे, अमेरिका पे और हिंदुस्तान पे। सो जितना इन्होंने दिन रात, बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो कागज पे पूरे करते हैं, इन्होंने प्रैक्टिकल दिखाया है दोस्तों। मैं चाहूंगा जोर से ताड़ियां मारिए नितिन गडकरी के लिए। तो जैसे बोलते हैं ना, घर पे और शहर पे शायद आपको इतना आइडिया नहीं होगा, जो भारत पे काम किया है, आज के 100 साल के बाद भी, 2000 साल के बाद भी नितिन गडकरी जी को याद करेंगे कि भाई रोड बनाई थी हिंदुस्तान पे किसी ने। और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय नितिन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि नागपुर को उन्होंने ये जो क्रीड़ा महोत्सव दिया, पिछले 5 वर्षों में लगातार नागपुर और विदर्भ के खिलाड़ियों को
इस महोत्सव के कारण प्रोत्साहन मिला, खेलने के लिए वातावरण मिला और हमारे जो खिलाड़ी है, चाहे मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हो, चाहे पुरस्कार प्राप्त करने वाले क्रीड़ा संगठक हो, सभी का सम्मान इस मंच के माध्यम से आदरणीय नितिन जी ने किया और नागपुर के क्रीड़ा क्षेत्र को एक नई ऊंचाई इस खासदार क्रीड़ा महोत्सव ने दी है। इसके साथ साथ मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे क्रीड़ा विश्व को और अच्छे तरीके से विकसित करने के लिए जो संकल्पनाएं उन्होंने रखी है, पिछले समय उन्हीं की प्रेरणा से हमने 50 करोड़ रुपए दिए थे और नागपुर में कई मैदान हम लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार किए, वहां लाइट्स लगाए, अलग अलग खेलों की व्यवस्थाएं की और अब नितिन जी नागपुर में 300 मैदान तैयार करना चाहते हैं, तो मैं आज ही घोषित करता हूं कि उन्होंने जो अपेक्षा की है, ऐसे 100 करोड़ रुपए नागपुर के मैदानों के लिए महाराष्ट्र की सरकार देगी। उसका पूरा संकल्प चित्र डिजाइन स्वयं नितिन जी के देखरेख में तैयार होगा, उनके सुपरविजन में तैयार होगा और नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट उसका इंप्लीमेंटेशन करेगी और हम प्रयास करेंगे कि अगला खासदार क्रीड़ा महोत्सव जब होगा तो इनमें से कई ग्राउंड्स उस समय तैयार होंगे और उस पर ही यह क्रीड़ा महोत्सव हम करेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।